बागमारा विधायक का पूरा परिवार ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव घोषणा होने के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ता के बढ़ रहे अत्याचार पर आज बुधवार को भाजपा विधायक ढुल्लू मातो ने अपने पूरे परिवार संग अपने आवास में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सांकेतिक धरना देकर प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। इस दौरान भाजपा विधायक ढुल्लू महतो ने बताया कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम आते ही टीएमसी कार्यकर्ता भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला, हत्या एवं महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता अपने घर छोड़कर भागने को विवश हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सत्ता आने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा पर जुल्म ढालना शुरू कर दिए। संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। ऐसे में वहां संविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद पश्चिम बंगाल के लगभग सभी हिस्सों से आगजनी, हत्या, बलात्कार, लूट, मारपीट आदि की घटनाएं सामने आ रही हैं। निजी संपत्तियों के साथ साथ सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद राज्य सरकार पुलिस को जरूरी कदम उठाने का निर्देश नहीं दे रही है। राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रही है। लोकतंत्र पर गलत मानसिकता रखने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसलिए आज इस सांकेतिक धरना का के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति से पश्चिम बंगाल में अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं। तो वहीं बागमारा विधायक की धर्मपत्नी सह भाजपा नेत्री सावित्री देवी ने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद शुरू हुई हिंसा पर नियंत्रण में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। बंगाल पुलिस टीएमसी कैडर की तरह काम कर रही है। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यगण मौजूद रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जिसे मैं मांग करता हूं कि बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा हत्या की जा रही है, महिलाओं से अत्याचार किया जा रहा है, घर में आगजनी की जा रही है, लोगों को वहां से तरह तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वैसे टीएमसी कार्यकर्ता के पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और आज मैं जितने भी विपक्षी दल के लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बंगाल में इतनी बड़ी 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 घटना हो रही है, हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है, लोगों के घर को आगजनी किया जा रहा है, लोगों के घर में लूटपाट किया जा रहा है, और एक भी विपक्षी द्वारा, चाहे कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वाम दल हो, चाहे कि अनेकों पार्टी द्वारा एक भी किसी तरह का इस तरह का मतलब टीएमसी के कर टीएमसी पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी ये लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ये गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, देश हित में आज तक लगातार कार्य किया है और बराबर भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, मगर इतने बड़े बड़े घटना बंगाल में होने के बाद भी विपक्षी के द्वारा एक भी किसी प्रकार का कोई आवाज नहीं उठ रहा है। इससे सीधा सा भी ये स्पष्ट होता है कि विपक्षियों का भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, चाहे जो भी पार्टी हो, विपक्षियों के द्वारा उन लोगों को, ऐसे टीएमसी कार्यकर्ताओं को सहयोग मिल रहा है और लगातार बंगाल में हत्या, अत्याचार, महिलाओं के साथ शोषण, डकैती, लूट, लगातार ये घटना हो रही है। इसलिए मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी से मैं मांग करता हूं, आग्रह करता हूं कि अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो और वैसे लोकतंत्र पर गलत मानसिकता रखने वाले टीएमसी कार्यकर्ता या अन्य जितने भी विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं जो गलत मानसिकता लोकतंत्र पर रखता है, वैसे लोगों पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी हो। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067।